तो आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे के गुलाब जामुन। तो उसके लिए हमें लगेगी 2 बड़े चम्मच घी के, जिसको हम गरम कर रहे हैं और उसमें डाल रहे हैं 2 कप गेहूं का आटा। इसको हम धीमी आंच पर 5-7 मिनट लिए अच्छे से भून लेंगे। अब देख सकते हैं भूनने के बाद इसका कलर थोड़ा गोल्डन येलो कलर का हो जाता है। फिर हम इसे एक बर्तन में निकाल कर थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम बनाते हैं हमारी चाशनी। उसके लिए हम लेंगे 1.5 कप शक्कर, 2.5 कप पानी। इसे हम बॉईल करेंगे और चाशनी को अटने देंगे, पानी को अटने देंगे, तो ये प्रॉपर थिक चाशनी बन जाएगी। फ्लेवरिंग के लिए ऐड करेगी 2 इलायची। इससे 8 से 10 मिनट लगेगा प्रॉपर चाशनी फॉर्म होने में। आप देख सकते हैं ये बॉईल आ गया है और मैं बीच बीच में से हिला भी रही हूँ। हमारा आटा ठंडा हो गया है तो हम उसमें ऐड कर रहे हैं 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा या इनो, 2.5 चम्मच घी, 2 चम्मच। अब हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हमारी चाशनी को अच्छा बॉईल आ गया है और वो बन गई है। और ये आटे में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध। जिस तरह हम रोटी का आटा गूंदते हैं उसमें पानी डालते हैं, उसी तरह हम ये आटा गूंदेंगे, बस इसमें पानी की जगह दूध डालेंगे। अच्छे से इसे 5-7 मिनट तक गूंदना है और आटा फॉर्म करना है। और फिर इसे 10 मिनट के लिए साइड में ढक के रख देना है। 10 मिनट बाद आपको आटे के छोटे छोटे गोले बनाने हैं। मैंने स्ट्रेट लंबे बॉल्स बनाए हैं। फिर आपको एक कढ़ाई में तेल गरम करना है और हमारे गुलाब जामुन को फ्राई करना है और तुरंत गरम गरम चाशनी में डाल देना है। आप देख सकते हैं कितना सुनहरा रंग आया हमारे गुलाब जामुन का। यहाँ मेरे कुछ गुलाब जामुन अभी भी फ्राई हो रहे हैं और कुछ को मैंने चाशनी में डाल दिया है, गरम गरम चाशनी में। मैंने रात भर सारे गुलाब जामुन को चाशनी में ही रखा था ताकि वो रस उनका सोख लेगा, वो मिठास सोख लेगा। और बस आपकी यम्मी गेहूं के आटे के गुलाब जामुन तैयार। मैंने एक्स्ट्रा चाशनी बना के ऊपर से चाशनी डाली थी एंड ये बहुत डिलीशियस है। ट्रस्ट मी, बहुत यम्मी है, ट्राई करके देखना। थैंक यू।